Ava. Good morning, Mama. Arushi is your brother? Yes. चलिए एवरीवन गुड मॉर्निंग एवरीवन से लाउडली गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. चलिए एवरीवन जॉइन योर हैंड्स क्लोज योर आईज एंड लेट्स प्रे गायत्री मंत्र विद मी. ओम भूर्भुवस्वः तत्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. चलिए ओपन योर आईज एवरीवन. चलिए पहले सब अपना कैमरा ऑन करिए. एवरीवन प्लीज कीप योर कैमरा ऑन. यस जितुआ ओनली मितुआ का कैमरा ऑन है. आई कैन सी ओनली मितुआ. बाकी सबके कैमरास आज काम नहीं कर रहे हैं. यस मितुआ प्लीज आप एक बार अपना ऑफ करिए बेटा. आरिफा मेरा ऑन है लेकिन बेटा मुझे शो नहीं होता है तभी मैं पूछ रही हूँ. अभी तो मुझे किसी का भी शो नहीं हो रहा है कैमरा. एक्चुअली मे बी अगर मैं किसी का माइक ऑन करती हूँ ना तो शो होते हैं मुझे. ओके मनन का भी ऑन है बट मुझे किसी का आई थिंक अभी ऐसा हो गया है कि जिसका माइक ऑन होगा ना उसी का कैमरा ऑन होगा अकॉर्डिंग टू मी. देखिए मुझे किसी की स्क्रीन पे नहीं दिखा दिखाई दे रहा अभी तो. चलिए ओके टेल मी व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास. क्या किया था हमने प्रीवियस क्लास में. यस ओके ऑन है बट ओके बेटा. यस रीग्रुपिंग एडिशन. क्या किया था हमने रीग्रुपिंग एडिशन. यस यस होमवर्क कर रहे हैं सभी बच्चे. आपने होमवर्क किया कल जो हमें रीग्रुपिंग कराया था. मैंने आपको बोला था वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो यू ऑल हैव डन बाय योरसेल्फ. सबने अपने आप किया वो होमवर्क. यस वेरी गुड. किसी को कोई डाउट बेटा कल के होमवर्क में. ठीक है तो बेसिकली कल हमने क्या किया था. बेसिकली कल हमने एक रीग्रुपिंग सीखा था. रीग्रुपिंग क्या होता है ना. और हमने ये सीखा था कि रीग्रुपिंग क्या होता है जहां पर नंबर कैरी फॉरवर्ड होते हैं. जहां पर नंबर कैरी फॉरवर्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं रीग्रुपिंग बोलते हैं. ये करा था हमने. ठीक है अब इसके बाद आज हमारा नया एक और टॉपिक है. जैसे हमने कल एडिशन किया था रीग्रुपिंग के साथ आज हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. प्रोसेस सेम ही रहेगा बस एडिशन में जहां आप ऐड करते हैं और ज्यादा करते हैं वहीं सब्ट्रैक्शन में आप लेस कर देते हैं उनको रिमूव कर देते हैं. जो अमाउंट आपको बोला जाता है बिग अमाउंट में से स्मॉल अमाउंट जो होता है वो रिमूव कर देते हैं. रुशित बेटा आपको दिखाई. यस एवरीवन कैन एम आई ऑडिबल और विजिबल प्रॉपरली राइट इन अ चैट बॉक्स. एक बार चेक कर लेते हैं. अगर सबको मैं दिखाई दे रही हूँ दैट मीन्स कि फिर मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है. मैं किसी को नहीं दिखाई दे रही. व्हाट इज दिस बेटा. अरे मीन्स मतलब व्हाइट बोर्ड तो सभी को दिखाई दे रहा है. नो
वेट अ मिनट बेटा, मैं दोबारा कैमरा ऑफ करके ऑन करती हूँ। यस अभी राइट में चैट बॉक्स, यस अभी सबको दिखाई दे रहा है। हाँ तो वो कभी कभी एक बार नेटवर्क का इशू हो जाता होगा तो नहीं दिखाई देता होगा। ठीक है तो हम कहाँ पर थे? यस हम थे कि वह ये कह रही थी कि एडिशन जो रीग्रुपिंग का सब्ट्रैक्शन है इट इज सेम एज एडिशन बट द डिफरेंस इज दैट इन एडिशन वी एड सम ब्लॉक्स बट हियर इन सब्ट्रैक्शन वी विल रिमूव सम ब्लॉक्स। क्लियर सभी को ये? ओके सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन एंड टुडेज आरुषि प्लीज कीप योर कैमरा ऑफ बेटा। Let's start today's session. वॉइस स्लो है मेरी, एक मिनट हम वॉइस भी चेक कर लेते हैं। यस अब मेरी वॉइस प्रॉपर होगी आप लोगों को। यस अभी मेरी वॉइस प्रॉपर होगी। अभी भी मेरी वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है। अभी जिनको नहीं आ रही प्लीज रीज्वाइन मी। अभी तो मेरी आवाज क्लियर आनी चाहिए बेटा बिल्कुल। चलिए अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग। है ना पेज नंबर 127, पेज नंबर 120। यस चलिए सो वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग द एग्जांपल। वी विल सब्ट्रैक्ट 17 फ्रॉम 34। है ना हम 34 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए अब देखिए मुझे ये बताइए क्या 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? यस और नो? कैन वी सब्ट्रैक्ट 4 इन 7? नहीं है ना। तो अब तक अगर मैं आपको 4 में से 7 जब भी सब्ट्रैक्ट कराती थी तो मैं बोलती थी नॉट पॉसिबल और हम इसको क्रॉस कर देते थे है ना, बिकॉज वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट बिगर नंबर फ्रॉम स्मॉल नंबर है ना, बट वी कैन सब्ट्रैक्ट स्मॉल नंबर फ्रॉम बिगर नंबर। हम बिग में से स्मॉल घटा सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन स्मॉल में से बिग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसको कैसे समझेंगे? मान लो देवयानी बा के पास 4 चॉकलेट्स हैं ठीक है, आरुषि बोलती है मुझे 7 चॉकलेट्स दे दो, तो क्या देवयानी बा आरुषि को 7 चॉकलेट्स दे सकती है? तो यस और नो? यस यस और नो? नो। क्यों? क्योंकि देवयानी बा के पास है ही 4 चॉकलेट्स, वो 7 कैसे देगी? है ना आरुषि को 7 कैसे देगी जब उसके पास चॉकलेट्स ही 4 हैं? ये तो आरुषि गलत क्वेश्चन कर रही है। मैक्सिमम देवयानी बा आरुषि को कितनी चॉकलेट्स दे सकती है मैक्सिमम? देवयानी बा इज सेइंग कि 2। यस मैक्सिमम कितनी चॉकलेट्स दे सकती है देवयानी बा? देखिए आप सब लोग 4 बोल रहे हैं लेकिन देवयानी बा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है 4 की 4 चॉकलेट्स देने के लिए आरुषि को। सी क्लियरली डिनाय कि 4 तो नहीं दूंगी मैम मैं। अरे बेटा क्या कर, अगर दिव्यानी बा के पास 4 चॉकलेट है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम दिव्यानी बा आरुषि कितनी दे सकती है आपको? मैक्सिमम कितनी चॉकलेट दे सकती है? 4 चॉकलेट दे सकती है वो आपको क्योंकि उसके पास मैक्सिमम 4 हैं। यस 2 क्यों लिख रहे हो? यहाँ तो लेने वाला भी बोल रहा है कि 2 दे सकती है और देने वाला भी बोल रहा है 2 ही दे सकती हूँ, तो ठीक है फिर हम लोग क्यों बोले? इन लोगों को 2 2 लेने दीजिए जबकि आप 4 ले सकती हो आरुषि है ना।
फिर हम लोग 4-4 नहीं बोलेंगे। अगर ये लोग दोनों खुश है 2-2 देने में तो ठीक है। तो देखिए 4 में से 7, इस तरह से 4 में से 7 लेस नहीं हो सकता। तो अभी तक तो हम क्या करते थे, इसको क्रॉस लगा देते थे क्योंकि कुछ था ही नहीं, है ना, क्योंकि ये वन डिजिट थी, दोनों क्या थी, वन डिजिट थी, ठीक है। बट इधर देखिए ये वन डिजिट है, 4 में से 7 नहीं कर सकते हम, ठीक है। बट अब इनकी बिल्डिंग में एक नई टावर आ गया है, वो टावर आया है 10s का, है ना। पेज नंबर इज ऑल्सो पेज नंबर 127 शिवांश बेटा। देवयानी वो व्हाट मी माय मी माय मी माय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मी एंड माय। सी अब देखिए, अब इनकी बिल्डिंग में एक नया मेंबर, एक नया टावर बना है। पहले इनकी बिल्डिंग में क्या था, यहाँ पे देखिए, पहले इनकी बिल्डिंग में क्या था, केवल एक वंस का ही टावर था। तो फोर के पास पेज नंबर 127 बेटा प्लीज आप ऐसे मत डिस्टर्ब किया करो, अभी पेज नंबर की नीड नहीं है शिवांश। लेट मी एक्सप्लेन बेटा, डोंट इंटरप्ट इन द रनिंग सेशन। अगर पेज नंबर ओपन करना होगा तो मैं बताऊंगी, अभी तक मैंने एक बार भी नहीं बोला। अगर पेज नंबर ओपन करना होगा मैं बोलूंगी, प्लीज ओपन दिस पेज, ओके। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द व्हाइट बोर्ड, द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्लियर। चलिए तो हम कहां पर थे, ओके बेटा, इससे आपको ही लॉस होता है, ठीक है। आप इतने अच्छे से स्टडी कर रहे हो लेकिन अगर छोटी सी भी चीज आप लोगों से मिस हो जाती है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप जब व्हाइट बोर्ड पे बोला जाए तो आप व्हाइट बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो। ऐसा नहीं होगा शिवांश कि मैं आपको बोलूंगी कि पूरी एक्सरसाइज अब आप अपने आप कर लो, मैंने कर दिया क्लियर, ऐसा नहीं होता ना। सो हैव सम पेशेंस बेटा, ठीक है। चलिए तो देखिए, पहले इनके बिल्डिंग में क्या था, केवल वंस का टावर था, ठीक है। तो हम 4 में से 7 जब नहीं माइनस होता था तो हम उसको क्रॉस कर देते थे। अब इनकी बिल्डिंग में एक नया टावर बना और वो टावर बना 10s का। वो टावर किसका बन गया इनकी बिल्डिंग में, 10s का टावर, यानी कि अब इनकी बिल्डिंग में 10s की फैमिली भी आ गई। पहले 1s की फैमिली थी, अभी 10s की फैमिली भी आ गई, क्लियर। तो अब देखिए, अब 4 के पास 7 में से हमने लेस किया तो वो तो लेस हो नहीं सकता, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि जब हम बिल्डिंग में, फ्लैट में, अपने घर में कहीं भी रह रहे होते हैं, और मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे घर में कोई सामान नहीं है, फॉर एग्जांपल स्टेपलर नहीं है हमारे पास, है ना, और हमें कल वर्कशीट जो है वो सबमिट करानी है और वर्कशीट इधर उधर सब जगह फैल गई है, तो हम किधर जाएंगे स्टेपलर लेने के लिए। ऑफकोर्स नेबर के पास, है ना आरिफा, क्या और स्टेपलर, मम्मी चारवी तो मम्मी के पास जाएगी, चारवी मम्मा के पास भी नहीं है अब तो, मैंने बोला घर में ही नहीं है स्टेपलर, कहाँ जाओगे आप लोग, चारवी सीधा, अच्छा चारवी तो मतलब बिल्कुल शॉप पर ही जाएगी सीधा। अच्छा चारवी मान लीजिए शॉप भी सारी बंद है, सातम आठम का टाइम चल रहा है और शॉप भी सारी बंद है, अभी चारवी कहाँ जाओगे, यस चारवी फिर कहाँ जाओगे बेटा, मान लीजिए शॉप्स बंद है, यस, यानी कि चारवी मतलब बिल्कुल ही जब ऐसा हो जाएगा नहीं सामान मिल रहा है तो चारवी नेबर के पास जाएगी, ऐसा है चारवी, है ना। तो हम लोग कहाँ जाते हैं, नेबर के पास जाते हैं, कोई छोटा मोटा सामान नहीं होता तो जनरली हम लोग नेबर के पास ही जाते हैं कि ये सामान हमें चाहिए, है ना। तो क्या होता है कि यहाँ जब 4 पहले ये टावर अकेला था, इनकी बिल्डिंग में यही लोग रहते थे, इतने ही लोग रहते थे, है ना, तो अब ये अकेला पड़ गया तो हम वो सब्ट्रैक्शन करवाते नहीं थे। बट इनकी बिल्डिंग अब देखो फिल हो रही है, इनकी बिल्डिंग में 10s वाले लोग भी आने लग गए। तो जब 4 7 से नहीं लेस हुआ तो 4 10s के पास गया, है ना, नेबर के पास गया, 10s के पास गया, उसने 10s को बोला, हम जाते ना नेबर के पास, उसने 10s को बोला कि आप मुझे ना अपना 10 दे दो, मुझे कुछ काम है, थोड़े नंबर दे दो मुझे, थोड़ा नंबर का काम है। अच्छा नेबर्स का तो ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि थोड़ा सा ये स्टेपलर दे दीजिए हम आपको वापस कर देंगे, बट यहाँ पर 10s वापस नहीं करने वाला है, यहाँ पर ये 4 वापस, ये ऐसा नेबर है जो वापस नहीं करेगा, तो सोच समझ के आप अपना सामान देना, ठीक है। तो सी तो 4 क्या करता है, 4 10s के पास जाता है और बोलता है कि आप मुझे अपना 10, देखो 10 तो पूरा 10 ही दे सकता है ना,
ये 10 का जो हम बंच बनाते हैं ये तो पूरा 10 देगा, ऐसा तो है नहीं इसमें से एक ब्लॉक निकाल देगा, ये पूरा का पूरा 10 देता है। तो 4 ने इनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप अपना मुझे 10 दे दीजिए। देवयानी बोला व्हाट इज दिस बेटा, स्टॉप दिस चैट राइट नाउ। ठीक है, तो 4 ने बोला कि आप मुझे अपना एक 10 दे दो, मुझे जरूरत है। तो एक नेबर, एक अच्छा नेबर क्या करता है कि जब हमारे नेबर को जरूरत होती है तो हम उसके काम आते हैं, ऐसा होता है ना। तो टेंस ने बोला ठीक है आप मेरे से 10 ले लो अपना, मैं एक 10 आपको दे देता हूँ। तो देखो अच्छे से देखना, ये 3 टेंस अपना एक 10 4 को दे देता है, तो यहाँ पर कितने 10s रहेंगे? यस 2 10s, इसको क्रॉस 2 10s। और जब अपना पूरा का पूरा 110 ये यहाँ पर दे देता है तो 110 यानी कि 10 आ गया और 4 इसके पास है, कितना बन जाएगा ये? यस एवरीवन 14, इसने अपना 10 दिया और 4 इसके पास है, कितना हो जाएगा? 14 है ना। अब स्ट्रांग हो गया ये, अब स्ट्रांग हो गया क्यों? क्योंकि ये बिग हो गया। अब 14 में से 7 लेस करोगे कितना आएगा? 14 में से अगर हम 7 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 7 है ना, 14 में से 7 लेस करेंगे तो दिव्यानी में 7 बेटा। ठीक है, 4 भी बेटा 7 आएगा। यस, और अब देखिए यहाँ पर 2 है, अब 3 में से नहीं लेस करेंगे, क्यों? क्योंकि इसने अपना एक 10 तो इधर दे दिया है, इसने अपना एक 10 तो इधर दे दिया है, तो अब हम 2 में से लेस करेंगे, तो 2 में से 1 लेस करोगे तो कितना हो जाएगा? यस 17। ये सबको समझ आया? एवरीवन प्लीज राइट इन अ चैट बॉक्स। यस चलो ओके, इसको अब हम टेंस और वंस की फॉर्म में करते हैं। अब इसको टेंस और वंस की फॉर्म में करते हैं, कैसे करते हैं? सी 34 था, आपको 17 उसमें से लेस करना, तो 34 में कितने टेंस और कितने वंस होते हैं? 3 10s, 4 1s, और 17 में 110, 7 1s। चलिए 7 1s यहाँ पे लिखते हैं, 110 7 1s। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 को 10s चाहिए, तो ये जो 3 10 होता है ये पूरा का पूरा अपना 10 उठा के दे देता है, ये पूरा का अपना 10 उठा के इधर दे देता है ना। तो अब ये 14 है, 14 में से 7 लेस हुए तो 7 रह गया, और ये कितने 10 बज गए? ये 2 10, तो 2 10 में से यहाँ एक 10 और लेस कर दीजिए, कितना आ गया? 17। तो 110 रह गया, इसके पास 110 रह गया। क्लियर, सभी को समझ आया ये? वेट 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 बेटा, एक मिनट रुक जाइए। यस 14 माइनस 17, हाँ इसको थोड़ा सा एक बार रुक जाइए और अच्छे समझाते। वेट, यहाँ पर आपके पास 3 10 था, ठीक है, और 4 1s था, ठीक है। देखिए नाउ यू कैन सी एवरीवन, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 10 है ये अपना पूरा का पूरा एक 10 इधर दे देता है, इसको दे देता है। अभी दिखाई दे रहा है सबको एवरीवन, ये 3 10 जो है, यस, ये अपना पूरा का पूरा 10 इधर दे देता है, इसको दे देता है। तो ये देखो ये 10 इसके पास आ गया, ये तो 14 हो गया, ठीक है।
और इधर से ये 10 चला गया, एक 10 दे दिया ना, तो इधर 14 हो गया, इधर कितना हो गया, इधर 2 10, इधर 14 हो गया है ना। अब 14 में से 7 लेस करो तो 4 तो यहां से लेस हो जाएंगे और 3 यहां से, तो कितना रह जाएगा 7, और इधर 2 में से 1 गया, 2 में से एक और 1 लेस कर दीजिए तो 1 10। क्लियर सभी को? यस एवरीवन, इज दैट क्लियर? यस, सभी को क्लियर हुआ ये टॉपिक? यस क्लियर। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है? चलिए फिफ्टी थ्री माइनस 8 कैमरा किसका ऑन है बेटा? क्यारा प्लीज ऑफ योर कैमरा। बेटा कैमरा मत ऑन किया करो, नेटवर्क भी डिस्टर्ब होता है और मैं एकदम स्क्रीन के कॉर्नर पे चली जाती हूँ, फिर बच्चों को अच्छे से दिखाई नहीं देता है। यस क्यारा ऑफ योर कैमरा, बच्चा अपना कैमरा ऑफ करो बेटा, उस कैमरा पे क्लिक करोगे ना वो अपने आप क्रॉस हो जाता है। बेटा मिनट बेटा, यस सबको मैं अच्छे से दिखाई दे रही हूँ पूरे स्क्रीन पे, एवरीवन कैन यू सी मी ऑन फुल स्क्रीन? यस तभी मैं आरिफा को बोल रही हूँ, क्यारा को, सॉरी सॉरी कर क्यारा। क्या प्लीज ऑफ योर कैमरा बेटा, चलिए कोई बात नहीं, शायद क्यारा को आई थिंक समझ नहीं आ रहा है कहां से। क्यारा वहां पे एक बटन होता है बेटा नीचे कैमरा को ऑफ करने का, वहां पे आप क्लिक करोगे तो वो ऐसे ऐसे देखिए इस तरह का वीडियो टाइप का बना होता है, उसे करोगे तो ऐसे क्रॉस हो जाएगा नीचे। चलिए जब तक वो ऑफ नहीं करती है हम लोग ऐसे ही काम चलाते हैं। यस चलिए थैंक यू सो मच क्यारा, अभी ऑन नहीं करना। चलिए 53 माइनस 8 क्या आंसर आएगा? ये देखिए इसका आंसर क्या होगा, अगेन यहां से 10 मूव करेगा है ना, तो इसके पास 4 रह जाएगा और ये 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा हो जाएगा, तो 13 माइनस 8 5 और ये 4 माइनस 0 इज 4। क्लियर? नेक्स्ट इज 76 माइनस 9। 76 माइनस 9 आप इस तरह से ये लिखेंगे बेटा, ये 4 हो गया, इसको क्रॉस करके 4 लिखेंगे, इसको क्रॉस करके 13 लिखेंगे, ये जरूर लिखेंगे आप लोग, ठीक है? नेक्स्ट इज 76 माइनस 9। सब बच्चे अपने आप करेंगे, टेक योर टाइम बट गिव मी द राइट एंड करेक्ट आंसर। यस ये यहां गया, ये 6, ये 16 16 माइनस 9 कितना हुआ 7 और ये 6। क्लियर? देन 91 माइनस 5, ये देखिए ये 9 अपना एक 10 उधर देगा तो ये कितना रह जाएगा 8 और ये 11 हो जाएगा, तो
11 माइनस 5 6 और 8 माइनस 0 इज 8. क्लियर? ओके. नेक्स्ट इज 75 माइनस 56. Yes. Yes, ये अपना टेंस यहाँ देगा तो ये क्या बन जाएगा 15 और ये 6. अब 15 में से 6 लेस करोगे तो कितना आएगा 9 और 6 में से 1 लेस करोगे तो 5 लेस करोगे तो 1. क्लियर बेटा? यस. नेक्स्ट इज 62 माइनस 45 है ना. अब अगेन ये अपना टेंस इधर दे देगा तो एक टेंस यहाँ पे दिया तो ये क्या हो जाएगा 12 और ये 5 ये 6 से 5 तो 12 में से 5 लेस करोगे 7 5 में से 4 लेस करोगे 1. क्लियर? यस. यस एवरीवन, इतना सभी को क्लियर हुआ? यस और नो? किसी को कोई डाउट आज सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग के अंदर, क्योंकि दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन विद रीग्रुपिंग और सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग दोनों एकदम अपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना? तो अभी आप अलग अलग कर रहे हो तो समझ आता है, अगर मैंने ये एक साथ कराया होता ना तो आप कंफ्यूज हो जाते. तो इसके लिए क्या है, इसके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें. क्लियर है सभी को? अच्छा सी, इसका क्वेश्चन नंबर एक 6 है, 62 माइनस 45. सेम क्वेश्चन ही 5 और 6 में रिपीट हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 5 ही क्वेश्चन 6 में रिपीट हो रहा है ना. तो वो इसमें से एक क्वेश्चन आप कट कर दीजिए, उसमें से एक क्वेश्चन कट कर दीजिए, क्योंकि दोनों ही 62 माइनस 45 हैं, है ना. चलिए एक मिनट, त्रिशा को डाउट है. यस त्रिशा, यस त्रिशा, यस. क्या बेटा 91 माइनस 5? तो उसने आपको बताया ना 91 माइनस 5 में आप कैसे करोगे, यहाँ पर आप अपना 10 जब इधर दोगे तो ये तो 8 हो जाएगा और ये 1 में 10 में 1 मैच 10 में 1 ऐड करते हो तो कितना हो जाता है, 10 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा विशा? 11. तो आप 11 में से माइनस करेंगे. क्लियर? ओके विशा? यस मैम. ओके चलिए क्यारा. यस क्यारा. यस क्यारा प्लीज, जब आप माइक ऑन करवाते हो ना तो मेक श्योर कि आपके पीछे का बैकग्राउंड जो हो वो थोड़ा सा शांत हो. देंगे और उसके बाद यू कैन लीव. और आज वाले क्वेश्चंस अगेन आई एम रिपीटिंग, डू दीज क्वेश्चन बाय योर सेल्फ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, है ना, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग. एक चीज और, एडिशन में आपने रीग्रुपिंग कैसे पहचाना, क्या बोलेंगे एडिशन में रीग्रुपिंग का क्वेश्चन है कि नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन
देर इज कैरी फॉरवर्ड इज टेकिंग प्लेस, अगर कैरी फॉरवर्ड का कोई क्वेश्चन है दैट मीन्स वहां पे रिक्रूटिंग है. ऐसे ही यहाँ से ले लेना नंबर, ले लेना इसको बोलते हैं बोरो करना. इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ बोरो दैट मीन्स इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिक्रूटिंग. समझ आया? यानी अगर सब्ट्रैक्शन में आपको बोरो दिख रहा है और अगर एडिशन में आपको कैरी फॉरवर्ड दिख रहा है दैट मीन्स इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिक्रूटिंग. क्लियर? यस आरुषि. वेट अ मिनट. यस आरुषि. एक्सरसाइज 8 में वो 4 वाला क्वेश्चन है ना, वो मुझे फिर से समझा बेटा. 4 वाले क्वेश्चन में वही है कि 91 माइनस 5 पूछ रहे हो ना आप? नहीं, 75 वाला. अच्छा वो वाला 75 माइनस 56. तो ये देखिए तो बहुत इजी है. जैसे ही आप यहाँ से 10 दोगे तो 515 हो जाएगा और 7 से 8 10 लिया तो ये 6 हो जाएगा. क्लियर? क्या बेटा? बेटा इसमें आप जब सारी कर लिए हुआ तो 7 में से जब 10 दोगे तो 7 के पास कितने 10 रह जाएंगे? यस आरुषि. बेटा आप एक्सप्लेन, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. कैन यू गिव मी द आंसर? अगर आप 7 10 में से 8 10 दे दोगे तो कितना 10 रह जाएगा 7 के पास? 6. तो अब इसमें क्या समझना है? और जब इसको आप अपना 10 दे दोगे तो ये 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15. तो फिर अभी इसमें क्या समझना है? आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए, ये क्वेश्चन तो डिफिकल्ट भी नहीं है. इस क्वेश्चन में समझ आता है कि यहाँ पे 11 बनने में थोड़ा समझ नहीं आ रहा है. इसमें क्या है? जब ये कर लिया सेम ऐसा ही तो है, बिल्कुल ऐसा ही. 62 माइनस 45 भी तो यही है. क्लियर? चलिए. ओके एवरीवन, प्लीज गिव मी द अटेंडेंस एंड यू देन यू कैन लीव. मुझे फटाफट अटेंडेंस देंगे आप लोग और उसके बाद आप लीव हो सकते हैं बेटा. चलिए फटाफट डालेंगे आप अटेंडेंस और फिर लीव हो जाएंगे. यस वेट अ मिनट. मितवा, कृषि, यानी, शार्वी, आरिफा, हितार्थ, यानी, दिव्या, रुषित, निहान, ओके, क्यारा, दिव्यानिबा, कुशालीबा, निक, त्रिषा, आरुषि, द्रुही, प्रथम, ध्वनि, ईशान, विवान, नीव, रुद्र, अयान, प्रांशु एंड द लास्ट इज शिवांश, चार्वी, अंश, मनन, पुष्पेंद्र और जी वघाड़िया. ओके बेटा, सो योर टाइम इज ओवर. 5 मिनट्स का रेस्ट कीजिए, देन आपकी नेक्स्ट क्लास है, आप उसे ज्वाइन करिए बेटा. ओके बेटा. ओके क्यारा. यस एवरीवन, यू कैन लेफ्ट.